नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। मैं रमन एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों आज हम बात करेंगे खूनी नीलम और नीलम के बारे में। आए तो बहुत ढेरों सारे एपिसोड हैं इसके ऊपर, लेकिन आज का टॉपिक यह है कि क्या नीलम के साथ खूनी नीलम को धारण किया जा सकता है, जहां आपने पहले खूनी नीलम डाला हो तो नीलम को धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मैं बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए ये जानकारी दे देनी बहुत जरूरी है कि कुंडली का विश्लेषण करवाकर नीलम रत्न एक एक्सपर्ट की राय के अंदर पहना जाता है। 1000 नीलम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, तो एक खूनी नीलम बनता है। अब आप देखिएगा कि कितना फर्क है दोनों के अंदर। बात हो रही है कि अगर आपने नीलम पहना हुआ है, किसी कारणवश नीलम आपको रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहा है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, महादशाएं अंतरदशाएं आपकी ग्रहों की जो चाल है वो बदल चुकी है और अब आपको नीड है खूनी नीलम की, तो क्या पहना जा सकता है? तो दोस्तों मैं बता देना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आप इसे पहन सकते हैं। ज्योतिष के अंदर कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि नीलम के साथ खूनी नीलम नहीं पहना जाता। जब आप खूनी नीलम लेते हैं तो उसके अंदर 20-30-40-50% मंगल के अंश होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर आएगा जो कुदरत नेचर हमारे ऊपर कितनी मेहरबान है, जिसने हमें ये ऑलरेडी बना की चीज दी हुई है। अब देखिए, 1 अकेला 2 11 मंगल शनि कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे हो, बढ़िया हो, राजयोग विपरीत राजयोग जा अपना फल ना दे पा रहे हो, नीलम भी तभी पहना जाता है जब शनि आपके अनुकूल ना हो, विपरीत परिस्थितियों में आपको ले जाए। बहुत सारे लोग नीलम को हवा बना के बैठे हुए हैं, ये है वो है। मैं हमेशा बोलता हूं एक्सपर्ट की राय लीजिए, नीलम आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा होगा। तो बात कर रहे हैं नीलम और खूनी नीलम की। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये दोनों रत्नों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अब प्रॉब्लम आगे क्या आती है? प्रॉब्लम यह है कि नीलम अगर आपने राइट हैंड में पहना हुआ है मिडिल फिंगर में, तो खूनी नीलम भी तो शनि की अंगुली में जाएगा, वो आप लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। जब उसे गले में भी धारण किया जा सकता है, रिस्ट पे आप उसका एक ब्रेसलेट बना के भी उसे उसमें फिट करवा सकते हैं। शनिवार शाम 6 बजे पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, बहुत ही विधि पूर्वक एक अच्छे मुहूर्त के अंदर आप इसे धारण करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जब आप नीलम डालते हैं, जब खूनी नीलम डालते हैं, तो श्रीलंका सिलोन का होना चाहिए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 हो। यह स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी सोल है, उसकी आत्मा है, उसकी जान है, अदरवाइज तो वो डमी है। डमी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, पहना ना पहना एक बराबर है। तो मैंने आपको बताया है श्रीलंका सबसे बढ़िया है, सिलोनी पुखराज की तो कोई उसका कोई सामी ही नहीं है। इसी तरह खूनी नीलम भी लेना है तो आपको श्रीलंका का लेना पड़ेगा। 4 ग्रेविटी का पत्थर लीजिएगा, उसे एक अच्छे मुहूर्त के अंदर डालिएगा, तो मैं बहुत ही ज्यादा श्योर होकर बताऊंगा कि आपके दिन फिर जाएंगे। बहुत बड़े बड़े हस्तियों ने डाले हुए हैं ये पत्थर, तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर आपको रतन डल रहा है, नीलम हो खूनी नीलम हो, तो आप वेट ना करें, पहनिए, किस्मत जगाइए, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा और शनि देव का आपके ऊपर बहुत ही अच्छा एक आशीर्वाद ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 94.3 MyFM और ऐसे ढेरों सर्च इंजन के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हां दोस्तों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण मेरे से ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर आप कॉल करिए। इस नंबर के ऊपर जब आप कॉल करेंगे तो आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करके आपको टाइम आ जाएगा, फिर आप बात करिए अपनी कुंडली के बारे में, रत्न उपाय जो भी आप जानना चाहते हैं
वो आपको घर बैठे भी बताया जा सकता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।